नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने हम एक बार फिर हरियाणा से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स लेकर के, पंचायत चुनावों से लेकर के बिजनेस और खेलों तक सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। हरियाणा में पंचायती चुनावों की तैयारी में है सरकार, जल्द हो सकती है घोषणा, इसका इशारा मिल रहा है, जो कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि सरकार अंदर खाने पंचायत चुनावों की पूरी तैयारी कर रही है। एलनाबाद में भी पंचायत चुनावों से जुड़े हुए ड्रॉ निकाले गए हैं। चंडीगढ़ में फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित हरियाणा में बदलेंगे कॉलोनियों के पार्क, खेल मैदान, सड़कें और सामुदायिक केंद्र के मालिकाना हक। शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने दिए कॉलोनियों के कॉमन प्लेस को राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ाने के। अनिल विज की अधिकारियों को चेतावनी भी है कि अपने अपने दफ्तर में लंबित फाइलों को जल्द से जल्द क्लियर करें, नहीं तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई। नीरज चोपड़ा को AFI का तोहफा, हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो के नाम रहेगा ये दिन, इसको जेवलिन थ्रो डे घोषित कर दिया गया है। मानसून सत्र में जमकर गरजेंगे विधायक बलराज कुंडू, कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने मानसून सत्र के लिए 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सबमिट किए हैं, जिनको कि हम इंग्लिश में कॉलिंग अटेंशन मोशन भी कहते हैं। प्रदेश के 163 कानूनों से हटेगा पंजाब शब्द, गठन के 55 साल बाद इसी महीने किया जाएगा संशोधन। अनिल विज से मिलने पहुंची हॉकी खिलाड़ी, उन्होंने मांग की है कि हमारी सम्मान राशि बढ़वाइए और प्लॉट भी दिलवाइए। विनेश फोगाट के निलंबन पर हरियाणा में हलचल है, उनके ससुर ने कहा कि घर व ग्राउंड में मेरी बहू अनुशासित है और नहीं कर सकती अनुशासनहीनता। टोक्यो ओलंपिक से हरियाणा को मिला सबक, 200 नए कोच, डाइट विशेषज्ञ होंगे भर्ती, नर्सरियों की संख्या लगभग 1000 होगी। 13 अगस्त को पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेरिस ओलंपिक को लेकर सरकार का रोड मैप करेंगे पेश। बहादुरगढ़ से आ रही है अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा के फैसलों में हरियाणा के संगठनों में बढ़ रही है नाराजगी, बैठकों से कर रहे हैं किनारा। गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंची महिला खिलाड़ी, हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने, इस अवसर पर विज ने इन खिलाड़ियों को शॉल व मिठाई खिलाकर किया स्वागत। अब खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में 9 नए कोर्स। राजनीतिक हलचल के दौरान एक और खबर सुनने को आ रही है कि CM का चेहरा बनने से चढ़ूनी का बड़ा बयान आया है। गलियारों में ये खबर थी कि चढ़ूनी जो है वो CM पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं कही और ना ही मैंने खुद को कभी CM पद का उम्मीदवार माना। झज्जर में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बेटियों को कोख में मत मारो, क्या पता कोख में बेटी नहीं मेडल पल रहा हो। इसी के साथ झज्जर में उन्होंने कहा कि लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारम्भ उन्होंने किया है और बेटियाँ करेंगी पौधों की देखभाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाडो की बगिया ऑक्सीवन का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। मानसून सत्र में भर्ती घोटाले और बेरोजगारी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी कांग्रेस, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, नगर निकायों में कर्मचारी ठेका प्रथा खत्म करने पर मंथन है। अंतर विश्वविद्यालय तबादला नीति के खिलाफ MDU से बजा बिगुल, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने राधाकृष्णन सभागार में संयुक्त गेट मीटिंग की है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को चप्पे चप्पे पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, सुरक्षा को लेकर भी पुलिस विभाग की तरफ से तैयारी, पुलिस विभाग की पूरी नज़र है और वो हर तरह की गतिविधि पर ध्यान रख रही है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। पंचायत और अन्य खबरों से जुड़ी हुई हरियाणा की हर खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।